मैं बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि भाजपा में जाता है जो कार्यकर्ता वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। किसी एक उत्तर प्रदेश के मंत्री पर किसी भी प्रकार के करप्शन का, किसी भी प्रकार के घोटाले का आरोप अगर लगा हो, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। जब आप बबूल के पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं है। कामनी राठौर आपको किसी कमरे में किसी तीन लोगों के बीच अपने आप को शिक्षित बताते हुए नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती कामनी राठौर जी कम से कम 60,000 प्लस वोटों कमरों में, जहां पत्रकार अपने हिसाब से प्रत्याशी को बनाते और बिगाड़ते हैं, वहां नहीं मिलेंगे। इस दुनिया का यदि कोई सबसे बड़ा योद्धा होता है तो एक माँ होती है। जब माँ अपने बच्चे को पाल सकती है तो एक शहर को भी अच्छे से चला सकती है। तो फिर नया प्रत्याशी लाने की क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को? देखिए गौरव जी, भाजपा को टक्कर देने वाली कौन सी पार्टी हो सकती है इस समय? भाजपा को तो कोई टक्कर देनी है। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका KIA न्यूज के स्पेशल सीरीज किया इंटरव्यू में। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो पर भाजपा के अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं वो इस समय भाजपा से। बहुत बहुत स्वागत है उदय प्रताप सिंह जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। उदय जी, इस समय जो र्यूमर उड़ रही है भाजपा को लेकर और खासतौर से प्रत्याशी को लेकर, जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के मुद्दों को लेकर कार्य करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति को के पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान की सोच रखने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। रही बात प्रत्याशी की, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन कामनी श्रीमती कामनी राठौर जी को भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद महापौर पद का प्रत्याशी बनाया, उस दिन से पूर्व कामनी राठौर एक सामान्य गृहिणी थी। जी, एक सामान्य, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वे अशिक्षित थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो समाज में बोलना चालना उठना बैठना नहीं। अब चूंकि यह एक चुनावी समय चल रहा है, चुनावी समय में अपने विपक्षी पर, अपने विरोधी पर घात करना, प्रतिघात करना, ये एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात का याद दिलाना चाहूंगा, आज से सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष को महाभारत के समय, रामायण के समय युद्ध होते थे। चुनाव भी एक युद्ध के समान, उस समय युद्ध होते थे तो क्या होता था कि जब सूर्य देवता उदय होते थे, शंखनाद के साथ युद्ध की शुरुआत होती थी, और जब सूर्य देवता अस्त होने वाले होते थे तो शंखनाद के साथ युद्ध का विराम होता था। युद्ध के विराम के बाद घायल सैनिकों का उपचार, दिवंगत सैनिकों का अंतिम संस्कार और अपनी अगले दिन युद्ध की तैयारियों के लिए अपनी सामर्थ्य को इकट्ठा करना, ठीक उसी प्रकार आज चूंकि कलयुग है और इस कलयुग में लोग नीत को भूलकर अनीत पर ज्यादा विश्वास करते हैं, यही आज के इस फिरोजाबाद जनपद के निकाय चुनाव में चल रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध नहीं कर पा रहे, भारतीय जनता पार्टी के विकास का विरोध नहीं कर पा रहे, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सोच का विरोध नहीं कर पा रहे, वो प्रत्याशी को या प्रत्याशी की किन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर कर अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कामनी राठौर जी एक सामान्य परिवार की महिला है, एक पारिवारिक महिला है, वो एक माँ है, और मैं आपके चैनल के सामने यह कहते हुए खुद को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि दुनिया का यदि कोई सबसे बड़ा योद्धा होता है तो एक माँ होती है। जब माँ अपने बच्चे को पाल सकती है तो एक शहर को भी अच्छे से चला सकती है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये भी कहना उचित नहीं होगा कि पहले नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, पहले भी थी,
तो फिर नया प्रत्याशी लाने की क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को? देखिए गौरव जी, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, लेकिन 1947 में जब भारत वर्ष स्वतंत्र हुआ, इस देश को संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलाया गया, उसके बाद यहाँ हर व्यक्ति को लोकतंत्र में चुनाव लड़के इस देश को चलाने का, किसी भी तंत्र को चलाने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से की विचारधारा से 100% विश्वास नहीं रखती। मैं यह कहूं कि निवर्तमान महापौर श्रीमती नूतन राठौर जी ने फिरोजाबाद में कार्य नहीं किए तो नितांत गलत है, लेकिन यदि उन्होंने पिछले 5 वर्ष में कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ गलतियां रह गई होंगी जो हमारे नेतृत्व ने देखी, और उन गलतियों के कारण, उन विरक्तियों के कारण, उन छूटी हुई कमियों के कारण कहीं ना कहीं नए प्रत्याशी को मौका दिया है। और यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, यदि आप काम नहीं करेंगे, यदि आप ठीक से जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे, तो आपको पुनः मौका मिलने वाला नहीं है। ठीक, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और भी तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, क्या आपको लगता है कि भाजपा को टक्कर देने वाली कौन सी पार्टी हो सकती है इस समय? भाजपा को तो कोई टक्कर देगी? भाजपा तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती कामनी राठौर के नाम की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव उसी दिन जीत चुकी थी। अब यदि कुछ रह गया है तो जीत के अंतर को बढ़ाना, जो कि हम प्रतिदिन अपने जनसंपर्क के माध्यम से, श्रीमती कामनी राठौर सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 10:30 से 11 बजे तक जनता के बीच रहती, प्रत्येक शहर के कोने गली मोहल्ले में वह सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच हैं। उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए निवेदन करती हैं। और गौरव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज इस इंटरव्यू में बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि आने वाली 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्रीमती कामनी राठौर जी कम से कम 60,000+ वोटों से जीत दर्ज करेंगे। अच्छा जी, ये आपकी उम्मीद है? मेरी उम्मीद नहीं, मेरा विश्वास है। अच्छा चलिए, आपको लगता है कि क्या, जैसा लोगों ने आरोप लगाया कि कामिनी राठौर एक अच्छी प्रत्याशी नहीं है, तो कोई और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, इसका कोई बेस है क्या? नहीं, कोई पैरामीटर बनाया है किसी ने, या मेरे क्या देने वर्ष है? मैं बताना चाहूंगा, देश में एक विरोधी धड़ा मोदी मोदी को चोर बोलता है, क्या किसी के कहने से मोदी जी चोर हो जाएंगे? आप कल्पना कीजिए, जिस भारतवर्ष के प्रतिनिधित्व को विदेशों में कभी मौका नहीं मिलता था, और आज पूरा विश्व भारत के नेतृत्व को देखता है, तो किसी के कहने पर से मैं उसी बात को दूसरे तरीके से कहता हूँ कि कामिनी राठौर को अनुभव नहीं है, कामिनी राठौर को ना तो राजनीति का अनुभव है और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार से सामाजिक कार्य करने का अनुभव है, ठीक है, और ना ही कभी उन्होंने समाज में उतरकर कोई काम किया, उनको किसी भी तरीके का कोई अनुभव नहीं है। शिक्षा की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और भी तमाम प्रत्याशी हैं जो शिक्षा में उनसे ज्यादा हैं, तो और निवर्तमान महापौर की बात करें तो वो भी शिक्षित भी थी प्लस उन्हें अनुभव भी था, तो ऐसी क्या वजह है कि कामिनी राठौर इज द बेस्ट? शिक्षित तो राहुल गांधी जी भी हैं। कामिनी राठौर को मौका क्यों दिया गया? क्योंकि कामिनी राठौर भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की धर्मपत्नी, आरक्षण व्यवस्था के तहत यहाँ की सीट बीसी महिला हो, बीसी महिला सीट पर महिला ही चुनाव लड़ेगी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ाती है, भारतीय जनता पार्टी अपने एक जिले की टीम के एक छोटे से मंत्री को महापौर जैसे बड़े पद पर विश्वास करके चुनाव लड़ाती है, इसलिए कामिनी राठौर भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की आवेदक प्रत्याशी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव जी, जिस दिन कामिनी राठौर जी का टिकट घोषित हुआ है, उस दिन से फिरोजाबाद जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और उमंग की लहर है। आप कभी आइए हमारे यहाँ, 6:30 बजे से हमारा जनसंपर्क प्रारंभ होता है, आप देखेंगे प्रतिदिन हजारों की संख्या में बूथ स्तर के छोटे छोटे कार्यकर्ता
स्वतः ही निकल कर आते हैं और अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू कामनी राठौर के लिए लगातार इस 43 डिग्री के टेम्परेचर में 43, आप कल्पना कीजिए, आपको विपक्ष सोशल मीडिया पे दिखेगा, पत्रकारों के स्टूडियो में दिखेगा, लेकिन जनता के बीच नहीं दिखेगा। और कामनी राठौर आपको कमरों में, जहां पत्रकार अपने हिसाब से प्रत्याशी को बनाते और बिगाड़ते हैं, वहां नहीं मिलेंगी। कामनी राठौर आपको किसी कमरे में किसी 3 लोगों के बीच अपने आप को शिक्षित बताते हुए नहीं मिलेंगे। कामनी राठौर फिरोजाबाद की हर छोटी छोटी गली में वहाँ की समस्याओं को देखते हुए, वहाँ की माता बहनों का आशीर्वाद लेते हुए। चलिए, सीखने में समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का बेपनाह अनुभव उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का साथ उनके साथ है। तो कितना समय लगेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो आप ये मानिए कि जिस दिन कामनी राठौर जी फिरोजाबाद महापौर पद की शपथ लेंगी, उसी दिन के साथ वो यहाँ की हर उस छोटी छोटी समस्या को समझकर निराकरण करने का काम करेंगे जो अब तक न हो पाया। निवर्तमान महापौर को भी लगभग 1 साल लग गया था समझने में। देखिए, ये आपका मानना है, ये आपका पैरामीटर है, मेरा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव जी, फिरोजाबाद नगर निगम सीमांत क्षेत्र में आपने अभी अपने कैमरे की आंखों से देखा होगा कि विकास कार्यों की झड़ी है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, कभी कभी ये जो सरकारी अफसरशाही होती है, ये अपनी हठधर्मिता, अपने हितों को देखते हुए कभी कभी प्रतिनिधियों को गुमराह करने का प्रयास करती है। और उसी का कारण है कि कुछ फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद उतनी तेजी से विकास की ओर अग्रसर न हो पाई जितनी तेजी से अग्रसर होना था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, श्रीमती कामनी राठौर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सीखने की बात हुई, तो कभी राहुल गांधी को सीखने का मौका क्यों नहीं मिलता? आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। जब आप बबूल के पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं आएंगे। राहुल गांधी जी की सोच इस देश को तोड़ने वाली है, राहुल गांधी जी की सोच भ्रष्टाचार वाली है, राहुल गांधी की सोच परिवारवाद की है। इसी का कारण है कि आज तक उनको इस देश को नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। आपने भ्रष्टाचार की बात की, लोग कहते हैं कि भाजपा में जाता है जो कार्यकर्ता वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ये पत्रकारों वाली भाषा है जी। और मैं केवल इस आपके प्रश्न पर इतना ही कहूंगा कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व में आने के बाद 2014 में केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में, यदि किसी एक कैबिनेट मंत्री पर, किसी एक उत्तर प्रदेश के मंत्री पर किसी भी प्रकार के करप्शन का, किसी भी प्रकार के घोटाले का आरोप अगर लगा हो, लगेगा कैसे सर? तो आप बताइए, सरकार हमारी है, लेकिन आप भी तो इस संविधान का चौथा स्तंभ है, आप बताइए। चलिए, अब आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि किन किन पैरामीटर्स को देख करके वो एक अच्छे मेयर का चुनाव करें? मैं आपसे ये आशा नहीं करता कि इस समय आप ये इस सवाल का जवाब भाजपा के प्रवक्ता होने या भाजपा के प्रतिनिधि होने के रूप में दे दें। देखिए, फिरोजाबाद शहर एक विकासशील शहर है और निश्चित तौर पर आज हमारे फिरोजाबाद में विकास की नितांत आवश्यकता है। शहर में शहर का अंदर का क्षेत्र है वो तो लगभग विकसित हो चुका है, वहाँ सड़कें ठीक है, नाली ठीक है, खरंजे ठीक है, लाइटिंग सिस्टम ठीक है, पेयजल व्यवस्था ठीक है। लेकिन जो हमारा आउटर फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र है, जो 13 ग्राम सभाओं का क्षेत्र है जो नगर निगम में 2014 में जुड़ी हैं, उनमें अभी विकास की बहुत सारी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर श्रीमती कामनी राठौर जी के नेतृत्व में आने वाली 13 मई के बाद जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली कामनी राठौर जी इन 13 ग्राम समाओं सहित इस संपूर्ण जनपद नगर निगम क्षेत्र में, संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में विकास की आंधी को लाएंगे। और आप देखेंगे कि छोटे से समय में ही फिरोजाबाद जनपद का कायाकल्प होगा और स्मार्ट सिटी बनने का दर्जा जो फिरोजाबाद जनपद को मिला है, उसको वाकई में सही शब्दों में और सही अर्थों में स्मार्ट सिटी बनाने का काम श्रीमती कामनी राठौर जी के नेतृत्व में किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी राय रखी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो इसे दूसरों के साथ
शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आने वाले समय में निरंतर मिलते रहें।